अभी है जैसलमेर में। हम अपना ट्रिप यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आज हम आए हैं जैसलमेर, और जैसलमेर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको विजिट करना चाहिए सिर्फ विंटर्स में ही। फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी ये बेस्ट टाइम है, और यहाँ पे एक दिन कैंप में स्टे करना तो बनता ही है। बट ये सब बातें बाद में, पहले हम आपको दिखाते हैं हमारी जर्नी दिल्ली टू जैसलमेर की। सभी को जैसलमेर से, हम अपने दिन की शुरुआत सनराइज से कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू नो हाउ वाज आवर एक्सपीरियंस देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। ये जो फोर्ट है इसका नाम है जैसलमेर फोर्ट, एंड इट इज आल्सो बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द वेरी फ्यू लिविंग फोर्ट्स। इट इज आल्सो नोन एज द सोनार किला और गोल्डन फोर्ट, जो कि बनाया गया था राजा राजपूत रावल जैसल जी के द्वारा 1155 में। इसको बनाने में कोई भी सीमेंट, पानी, कंक्रीट किसी चीज़ का यूज़ नहीं हुआ है। और यहाँ पे कहते हैं कि अभी भी अप्रोक्सीमेटली 3500 to 4000 लोग अभी भी यहाँ पे रहते हैं। यहाँ के राजा जी इतने दयालु थे कि उन्होंने अपना ये फोर्ट का एरिया काफ़ी सारे लोगों को फ्री में ही दे दिया रहने के लिए, एंड नाउ दे आर रनिंग होटल बिजनेस। इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो वी थॉट टू यूज द म्यूजिक फ्रॉम द स्ट्रीट आर्टिस्ट जो वही फोर्ट में बैठे थे। थिंग्स टू डू इन जैसल फोर्ट, सबसे पहले आपको जाना चाहिए राजा जी के महल, जिसकी एंट्री फीस है 100 रुपए सिर्फ, और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। राजा जी के महल से कनेक्टिविटी है रानी महल की, और आपको सिर्फ एक ही टिकट पे करनी है दोनों महल की, एंड यू कैन एक्सपीरियंस बोथ द महल। कमाल की बात है, उस टाइम पे तो राजा और रानी के महल भी अलग अलग थे। ये फोर्ट बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि इसका सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट गेट है, और इस फोर्ट का टोटल रेडियस 3.5 किलोमीटर का है। दैट मीन्स ये अपने आप में ही एक शहर है। तो आइए चलिए हम आपको लेके चलते हैं जैन टेम्पल के टूवर्ड्स। जैन टेम्पल भी जैसलमेर फोर्ट के अंदर ही है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 जैन टेम्पल्स विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द 12th century। फोर्ट के अंदर ज़्यादातर लोग जैन थे या फिर राजपूत थे, तो यहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा मानता है इस मंदिर के लिए, और इस मंदिर का आर्किटेक्चर तो बहुत ही अमेजिंग है। पहले यहाँ पे गोल्ड और मिरर से इसकी बहुत अच्छी डेकोरेशन थी। ओपन करियो इसको, कहाँ से होता है? ऐसे स्लाइड कर, इस वाले को ऐसे स्लाइड कर, स्लाइड कर, बहुत यूनिक चीज है। अरे कर, जल्दी कर। क्या है सुंदरता का तो पीछे, तू तो ऐसा लग रहा है खीर बना रही है। आवाज नहीं आ रही थी। सारे पापा को सेलिब्रिटी समझ रहे थे, उनको लग रहा था कि ये सनसनी है, एबीपी न्यूज, स्टार न्यूज वाले, चैन से सोना है तो जाग जाओ वाले लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे। बाकी
चैन से सोना है तो जाग जाओ, जाग जाओ। हम आ गए। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं मंदिर पैलेस में, जो कि एक महल है और यहाँ पे अभी भी यहाँ के राजा जी रहते हैं। हमने सोचा कि अपनी गाड़ी ले जाने से अच्छा है ऑटो से जाएं, क्योंकि अगर अब अपनी कार लेके जाते तो इतनी छोटी गलियाँ और इतना कंजस्टेड एरिया वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। अब हम आ गए हैं पटवों की हवेली में। पटवा किसे कहते थे, कौन थे ये लोग और इनका स्पेशल महल क्यों है, ये तो आपको ये भाई साहब ही बताएंगे। ना को जाती थी राजा महाराजा के टाइम में थी, उपाधि थी तो सोने चांदी के धागों से मूर्तियों बनाने का काम करते, तब इन बोलते पटवा। होते ही जैन लोग थे। हवेली मतलब बिग हाउस, आमने सामने विंडो होना, अंदर में खुला चौक होना। तो भगवान मंदिर बाबा जी ने अपने 5 मीटर का कंटिन्यू 5 हवेली बनाया। 1801 में काम चालू किया, 1860 में बनके तैयार हुआ। एक हवेली बनने में 12 साल लगे, 5 हवेली बनने में 60 साल लगे। इतना टाइम इसी लगा, बिगड़ चूना, बिगड़ सीमेंट, बिगड़ पानी की बनाई गई हवेली, इंटरलॉकिंग पत्थर से पत्थर को ज्वाइन किया गया। अभी आप एक नंबर हवेली को खोलना चालू करोगे तो ये 500 का 500 बिल्डिंग खुल जाएगा, वैसा का वैसा दूसरी जगह बन जाएगा, क्योंकि लॉकिंग सिस्टम किया। तो एक नंबर अपन अंदर से जो विजिट करेंगे, ये हवेली प्लस म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। 2 नंबर गवर्नमेंट के पास में, 3 और 4 7 जनरेशन 8 उनका गहरा है, और 5 नंबर गवर्नमेंट और तो म्यूजियम में जो कन्वर्ट हुआ था। तो पटवा लोगों का जो बिजनेस था सिल्क रूट चलता था। एशिया पूरे में घुमान मल्टी बाबरा की 350 दुकान थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, चाइना, काबुल। बहुत घूम लिए, अब भूख लगी है, चलो चलते हैं कुछ खाने। ओ वाओ, इतनी अच्छी एंट्री है, मुझे भी करना है ऐसे सेम। हमारे यहाँ पे 3 आवर्स कैसे बीत गए हमें सच्ची में पता भी नहीं चला। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ बैठ के। एंड मोर ओवर खाने की बात करें तो हमने यहाँ पे वुड फायर पिज्ज़ा ऑर्डर करा था, जो कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू, मतलब अगर हम दिल्ली के जैसे अगर हम कंपेयर करें तो अच्छा था। और सनसेट का तो क्या ही कहना, जैसलमेर में इससे अच्छा सनसेट पॉइंट तो कुछ मिल नहीं सकता। कैफे के अंदर राजस्थानी डांस परफॉर्मेंस भी हो रही थी आफ्टर यू नो इन द इवनिंग टाइम, एंड पापा ने यहाँ पे बहुत एंजॉय करा, ही इज रियली रियली फनी। और इनको साथ में भंगड़ा करा दिया। फोर्ट के अंदर हम 2 नाइट्स रुके थे और एक नाइट हम यहाँ पे खाना खाने आए थे डेजर्ट बॉयज में। हमें खाना तो पसंद नहीं आया, बट यहाँ का एम्बियंस अच्छा है और व्यू अच्छा है। जो लोग सिर्फ फोर्ट घूमने के लिए आते हैं वो यहाँ पे शाम को आ सकते हैं चाय कॉफ़ी के लिए, बट फूड तो आई विल नॉट रेकमेंड। फोर्ट में वैसे खाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, प्लीज़ चेक आउट योरसेल्फ। और फोर्ट में रहने के लिए गढ़ जैसल और राज मंदिर हम आपको रेकमेंड करेंगे, दोनों में से किसी की भी अवेलेबिलिटी मिले आप वो ले लेना। अगर आप फोर्ट में रहना चाह रहे हो, दोनों में अप्रॉक्सिमेटली 5-6 रूम्स हैं दोनों होटल्स में। और इनकी कॉस्ट है 4,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। Thank you so much for watching the vlog. I really hope you enjoyed it. If you did, please give it a thumbs up,
subscribe to our channel and comment down below if you have any questions. Goodbye.